देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर शहर में रविवार का दिन विश्व कीर्तिमान रचा गया, जहां एक साथ 11,000 वाहनों व 21 रथों के माध्यम से शहर में अनूठी भगवा यात्रा निकाली गई। भगवा यात्रा की खासियत यह थी कि इस यात्रा में सभी मठ मंदिर संप्रदाय और समाजों को एकजुट किया गया था। यात्रा के माध्यम से सामाजिक एकात्मकता का संदेश भी इंदौर वासियों को दिया गया। संस्था पुरुषार्थ अध्यक्ष नानुराम कुमावत के नेतृत्व में निकली इस अनूठी भगवा यात्रा की शुरुआत संत महात्माओं के सानिध्य में भारत माता रथ के पूजन के साथ की गई। यात्रा में भगवान राम व हनुमान की वेशभूषा में बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। रविवार को निकली इस भगवा यात्रा ने विश्व कीर्तिमान रचते हुए यात्रा शहर के प्रमुख चौराहों व मार्गों से निकाली गई, जहां 235 से अधिक मंचों से इस यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भगवा वाहन यात्रा का मार्ग लगभग 21 किलोमीटर का था, जिसे MR 10 से लालबाग पहुंचने में 3 घंटे का समय लगा। भगवान यात्रा में अनेक सामाजिक धार्मिक राजनीतिक पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी शामिल हुए थे। यात्रा में महिला युवतियों और युवाओं ने भी इससे बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाई और इस यात्रा को सफल बनाया। नानुराम कुमावत ने बताया कि भगवा यात्रा का शुरुआत साधु संतों के सानिध्य व विद्वान पंडितों के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। यात्रा स्थल पर जहां हजारों वाहनों का काफिला नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर 21 रथ को फूलों से श्रृंगारित किया गया था, जो यहां आने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी व जनमानस के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। भगवा वाहन यात्रा का लगभग 21 किलोमीटर का मार्ग था। यात्रा जिस स्थान चौराहों व मार्गों से निकली, वो मार्ग जय श्री राम के जयकारों से गुंजमान हो गया। यात्रा में युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां भी शामिल हुई थी। 1,050 से अधिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरी यात्रा की जिम्मेदारी संभाली। नहीं रहे, भगवा यात्रा निकल चुकी है और ये माँ अहिल्या की नगरी में, माँ अहिल्या के राजवाड़े पर, माँ अहिल्या की प्रतिमा के चरणों में आज इस भगवा यात्रा का समापन हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ समाजजन और 21 रथों पे हमारे साधु संत महंत आज इस भगवा यात्रा के साक्षी बने। इस भगवा यात्रा को गुड़ी पड़वा के उपलक्ष में निकाला गया था और सामाजिक एकात्मता के संदेश से निकाला गया था और आज उसने अपना संदेश और अपना उद्देश्य को पूर्ण किया है। परमिशन को लेकर अनुमति नहीं मिल रही थी, कई जगह से लाने का विचार चल रहा था आपके द्वारा। देखिए क्या है, जब कड़ा भया बड़ा आयोजन करते हैं, हमने ये सोचा था कि सामाजिक एकात्मता में हमें जानकारी मिली कि धार्मिक सौहार्द का भी वातावरण बन सकता है। इस आधार पे हमने एक रूट में जो है किया था, पर शासन प्रशासन और वरिष्ठों का ऐसा बोलना था, इतने आनंदमय वातावरण में हमने, अगर वो रूट को नहीं लेते हैं तो शहर के हित में है और हमको ये मालूम है संस्था पुरुषार्थ जो करती है शहर के हित में, माँ अहिल्या की नगरी के हित में करती है, समाज के लिए। मर्यादित कहते हैं, मर्यादित समाज रहता है, लेकिन आपकी यात्रा में कई कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, 3 सवारी और इस तरह का अलग। देखिए ऐसा है, 3 सवारी बैठना और ट्रैफिक, हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता जोश में बैठ गया होगा, पर हमारी तरफ से स्पष्ट सूचना थी कि 2-2-4 की तथी में चले, 2-2 बैठ गए। अब ये तो इतनी बड़ी यात्रा में होता है, कई बार जब अर्जेंट में कोई आपको छोड़ जाता है तो आप बोलते हैं वहाँ तक छोड़ दो, तो ऐसी घटना होती है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। यात्रा में कई मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया। हाँ, जगह जगह खजराना में और आज़ाद नगर में मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया यात्रा का, एक बहुत ही आनंदमय धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाया और इसको भी हम आगे बनाए रखेंगे। ये कहाँ से कहाँ यात्रा शुरुआत करने से होती है? ये यात्रा MR 10 लाभ गंगा के सामने से बाईपास रोड से चालू हुई थी, शहर के विभिन्न हिस्सों में से होते हुए यहाँ राजवाड़े पे समापन हुआ। लगभग कितने वाहन जो है यात्रा में शामिल? हमने 11,000 वाहनों का लक्ष्य रखा था, पर जब प्रारंभ हुई यात्रा तो उसमें लोग जुड़ते गए तो संख्या बोलना भी मुश्किल है। संख्या तो आप लोगों की वीडियो और फुटेज यही बोलेंगे, हमारे हिसाब से तो हजारों की संख्या में लोग थे, गिनती करना बहुत मुश्किल है।